अब हम देख रहे हैं कि टीओसी में हम पढ़ने वाले हैं वेरियस मॉडल्स बनाने वाले हैं मल्टीपल मशीन्स का, ठीक है। अब उन मशीन्स में किस टाइप की लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट होगी वो हमें पढ़ना होगा। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने होंगे, कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है, सबसे पहला टर्म होता है, देखो अगर कोई भी लैंग्वेज डिज़ाइन की जाती है तो पहले सिंबल्स डिसाइड किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर आपको वर्ड्स फॉर्म करने बताए जाते हैं कि वर्ड्स कैसे बनाने, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमने मॉडल डिज़ाइन किया है, एक मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन किया है किसी मशीन का, तो वो मशीन किस टाइप की लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करेगी उसको हमें देखना होगा। तो उस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, उस लैंग्वेज को डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होने चाहिए कुछ टर्म्स। जैसे फर्स्ट टर्म है सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स क्या होता है, इन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इनपुट सिंबल्स और सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज सिंबल। तो सिंबल क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर होता है। जैसे आप ए बी सी डी ऐसे पढ़ते हो तो यहाँ पर सिंबल का मतलब क्या है कि इनपुट सिंबल्स हमारे पास होंगे उसका एक इंडिविजुअल पार्ट या सिंगल कैरेक्टर्स जो होंगे वो उसे हम बोलते हैं सिंबल। जैसे सिंबल जो है वो डिजिट हो सकता है, डिजिट में क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन 0, 1, 2, up to 9 तक डिजिट्स होती हैं। इनपुट सिंबल्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और अल्फ़ाबेट्स जो आपको पता है वो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी, या स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं जैसे डॉलर, एट द रेट, हैश, लेस देन, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल्स है। तो जब भी हम लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे किसी मशीन के लिए तो सबसे पहले हमें पढ़ने होंगे सिंबल्स की वो जो मशीन है उसमें जो वर्ड्स फॉर्म किए गए हैं, जो स्ट्रिंग्स है उसके अंदर, उसमें कौन कौन से सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंबल्स आर यूज्ड टू बिल्ड लैंग्वेज फॉर मशीन। किसी भी मशीन के लिए जो लैंग्वेज बिल्ड की जाएगी उसके लिए हमें सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा, या कह सकते हो कि सिंबल्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टीओसी। टीओसी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सिंबल है। बिना सिंबल्स पढ़े हुए आप किसी भी मशीन की लैंग्वेज को बिल्ड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म आता है अल्फ़ाबैट। तो अल्फ़ाबैट क्या है, इट इज़ ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या है, जिसमें नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स हैं। फाइनाइट मतलब जिसे आप काउंट कर सको, तो इसमें क्या होंगे, जो आपने इनपुट सिंबल्स लिए हैं जैसे डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, उनका एक सेट होगा लेकिन फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट होगा इनपुट सिंबल्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, 1, तो ये क्या है, बाइनरी अल्फ़ाबेट है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इनपुट सिंबल्स 0 and 1। जैसे मैंने यहाँ पर कहा सिग्मा इक्वल्स टू 0, 1, 2, तो 0 एक सिंबल है, 1 एक सिंबल है, 2 एक सिंबल है, तो ये क्या है, टर्नरी अल्फ़ाबेट, जिसमें तीन ही अल्फ़ाबेट, टर्नरी अल्फ़ाबेट है जिसमें सिर्फ तीन ही सिंबल्स हैं। ये बाइनरी अल्फ़ाबेट है क्यों, क्योंकि इसमें दो ही सिंबल्स हैं, क्योंकि इसमें दो ही सिंबल्स हैं। अगर मैंने कहा सिग्मा इक्वल्स टू ए बी सी डी अप टू जेड, तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट ऑफ स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का अल्फ़ाबेट है ये। तो जो अल्फ़ाबेट है ये एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स है। टर्म आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, देखो स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम जैसे आशा है, तो आशा इज ए स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर्स ए एस एच ए। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट सिग्मा। अल्फ़ाबेट के अंदर जो भी सिंबल्स हैं उसकी एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है स्ट्रिंग। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा एक बाइनरी अल्फ़ाबेट है 0, 1, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट है जिसमें सिर्फ 0 और 1 दो इनपुट सिंबल्स हैं, उसकी स्ट्रिंग मैंने बनाई डब्ल्यू इक्वल्स टू, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, तो स्ट्रिंग मैंने बनाई 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, तो ये एक स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ, फाइनाइट है, मैंने डॉट 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 नहीं लिखा है, कितने इसमें इनपुट सिंबल्स हैं 8, तो ये एक फाइनाइट लेंथ की है और इसमें सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल्स है, और ये सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल्स किस में से लिए है हमने, इस अल्फ़ाबेट में से। अगर तो ये क्या बन रहा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ ए स्ट्रिंग फ्रॉम बाइनरी अल्फ़ाबेट 0, 1।
तो ये एक स्ट्रिंग है जो किससे बनाई गई है, बाइनरी अल्फ़ाबेट 01 से। अगर मैंने सपोज कहा अल्फ़ाबेट इज़ ए कॉमा बी और स्ट्रिंग इज़ डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी बी ए ए, तो ये क्या है, इट इज़ ए स्ट्रिंग फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग क्या है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है इनपुट सिंबल्स की, और ये जो इनपुट सिंबल्स हैं किसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं, जो भी हमें गिवन अल्फ़ाबेट होगा। उसके बाद हम एक टर्म यूज़ करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से या लैम्डा से। तो क्वेश्चन पेपर में चाहे एप्सिलॉन लिखा हो चाहे लैम्डा लिखा हो, इन दोनों का ही मीनिंग क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब जिसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं हो, जिसकी लेंथ ज़ीरो हो। तो नेक्स्ट हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सिंबल्स और कैरेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम काउंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसे डब्ल्यू इक्वल टू हेलो है, तो हेलो कंसिस्ट ऑफ 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉड ऑफ डब्ल्यू या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू क्या होगा, 5। अगर W इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, मतलब जिसमें कोई भी कैरेक्टर्स नहीं होंगे, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0। जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, मर्ज करना। अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक्स इक्वल्स टू ए बी सी, वाई इक्वल्स टू पी क्यू आर है, अगर आप उनको ज्वाइन कर दो एक्स और वाई को, कॉन्केटिनेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग्स को जब हम मर्ज करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स।